देश में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं। नए साल के स्वागत के साथ ही सरकार भी 2023 के नए बजट की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में आम व्यापारी से लेकर बड़े कारोबारी तक को केंद्र सरकार के बजट का इंतजार है। इंतजार के साथ साथ आम से लेकर खास वर्ग तक की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। आम जनता महंगाई कम होने की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं रेहड़ी दुकानदारों की अपनी समस्याएं हैं। आम जनता खास करके रेहड़ी पटरी वाला हो और आम पब्लिक हो, महंगाई की वजह से मरे जा रहे हैं। जैसे सरसों तेल हो गया, 100 रुपये लीटर था, 200 रुपये लीटर हो गया। दूध था 50 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर हो गया। इस वजह से सरकार से निवेदन यही है कि आम जनता का बजट बनाए रखे। गरीब से गरीब आदमी के किसी के घर चूल्हा बंद हो गया सरकार की वजह से, वो जलना जारी रखे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई की समस्या तो सारे हदें पार हो चुका है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों को भी सरकार से आम बजट में काफी उम्मीदें हैं। कारोबारियों की मांग है कि लोकल मैन्युफैक्चरर को टैक्स और जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए, जिससे लोकल फॉर वोकल के मिशन को मजबूत बनाया जा सके। हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो लोकल पे आजकल ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बी वोकल फॉर लोकल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोकल मार्केट के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमें, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे कुछ कंसेशन, कि मेड इन इंडिया ज़्यादा बिकना चाहिए, बाहर के प्रोडक्ट को निगलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हैंडवर्क के जरदोजी के कारीगर हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर से जीएसटी लगा दो, नोटबंदी लगा दो, इतनी प्रॉब्लम हो गई व्यापार के लिए कि आदमी तरस गए हैं। बेचारे लोगों को पता ही नहीं, कारीगरों को, कि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है। दूसरी ओर कपड़ा कारोबारी भी जीएसटी में कमी और विदेशों से मंगाए जाने वाले कच्चे माल में इम्पोर्ट ड्यूटी घटाए जाने की उम्मीद जता रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, जो फैब्रिक लहंगे आते हैं हमारे, इस पर ऑलरेडी 12% एक्स्ट्रा लग के आता है जीएसटी, ठीक है। प्लस जो मटेरियल है चाइना से आता है, जर्कन वगैरह आती है चाइना से, कोविड की वजह से क्या नाम है, वो भी बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं। कस्टमर वही सोचता है क्या नाम है, मतलब इतना महंगा बजट बढ़ रहा है जीएसटी की वजह से, मटेरियल की वजह से, रेंज भागती है ऊपर, तो कस्टमर कह नहीं दे पाता है। जीएसटी पहले 5% हुआ करता था अनस्टिच पर, और नॉन स्टिच पर भी 5% ही हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर स्टिच पर 12% कर दिया, अनस्टिच पर 5%, तो ये सेम ही होना चाहिए ना। व्यापारियों के बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भी टैक्स छूट की उम्मीद जताई है। कैट के राष्ट्रीय महासचिव पंकज अरोड़ा ने बताया कि बैंकों की बढ़ी ब्याज दर व्यापारियों की चिंता बढ़ा रही है। सरकार जो अभी अमेरिका की वजह, अमेरिका में महंगाई दर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया में इस समय सभी चीज़ों के कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगातार अमेरिका में बढ़ रहा है, उसी का देखा देखिए इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समय बैंकों का ब्याज 10% से ऊपर है। हम चाहते हैं सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम लोग को दे ही दे व्यापारियों को, साथ में इंटरेस्ट में हम लोग को सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर कोई अपने व्यापार को बड़े स्तर पर कर रहा है या नया इंटरप्राइज है, नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो उसके लिए जो कम से कम 4% से 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए, जब तक देश का माहौल इतनी ब्याज दरें जब तक कम नहीं होती। सरकार की ई कॉमर्स नीति और जीएसटी विसंगतियों को लेकर कारोबारी आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। कैट ने अगले 3 महीनों में बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। हम लोग चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 जब 1 अप्रैल आए तो हमारे लिए नए कानून जो है न्याय संगत, इक्वल प्लेस, मतलब कि एक जैसे पूरे देश के जो नियम हो जाएंगे वो लागू हों, ताकि हम लोग स्वस्थ व्यापार, हेल्दी बिजनेस कर पाए। आम जनता से लेकर छोटे बड़े कारोबारी तक हर किसी को सरकार के आने वाले बजट से खासी उम्मीदें हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में केंद्र सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।